जयराम जी के भैया क्या हाल चाल है। तो यार संडे का दिन है भाई साहब, बारिश ना एकदम झमाझम हो रही है और आपका मुसाफिर आ चुका है इस वक्त नेशनल जू एंड एक्वेरियम। और यार क्या प्यारे प्यारे जानवर है, मतलब मन कर रहा है दो चार को तो मैं घर लेके चलूँ अपने साथ। और भाई साहब इतनी बारिश हो रही है ना, मौसम भले ही साथ नहीं दे रहा है पर अंदर जो दिल का जज्बा है वो बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है इस वक्त। और काफ़ी सारे मैंने एनिमल्स यहाँ पे फोटोज़ खींची है, वीडियोज़ बनाई है, तो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बढ़िया लोकेशन है, अगर आप एनिमल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और यहाँ पे क्लोज इनकाउंटर्स भी हैं जिसका मैंने सुबह सुबह एक टूर बुक करा था और मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। बट अगेन यार बहुत प्यारी जगह, बहुत ही बढ़िया जगह, काफ़ी सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उनके साथ ज़रा दुआ सलाम हुई सुबह सुबह। हालाँकि बारिश हो रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये कोआला का रेस्टिंग स्पॉट है, भाई साहब कहाँ छुप के बैठे हुए इतनी बारिश में यार, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। बट कोई नहीं, आपको दिखाएंगे यार एनिमल्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगे हुए हैं, मेहनत पूरी चल रही है। So we always have a couple extra for the keepers to give. So the last few, they know that it's a little thank you and then that's the final piece kind of one as well. So they're the most social of the big cats. The living tribe is about 12 to 15. Oops, sorry. Thank you. The females. But I love them. She's not a bird person. अरे यार ये तो बड़ी जोर से भाग रहे हैं भाई, ये जो पेंगुइन है, पिंगू द पेंगुइन, ये देखो इनकी भाई साहब मस्ती नहीं खत्म हो रही है, पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं मौसम का। तो यार नेशनल जू एंड एक्वेरियम का ये पार्ट है जमाला वाइल्ड लाइफ लॉज। और अगेन अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो वो भी आप फैसिलिटी है रुकने की, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है। तो भैया चिड़ियाघर का भ्रमण हो चुका है और सुबह 7 बजे से हाजिरी लगा के बैठे हुए हैं और अब तो यार पेट में ना एकदम भाई साहब चूहे कूद रहे हैं, तो चल के ज़रा कुछ जलपान करा जाए और आपको दिखाया जाए आज क्या क्या सफ़रनामा किस वीडियो में आप देखेंगे। तो भैया इस वक्त मैं किंगस्टन फोरशोर पर हूँ और ये जगह जो है ये कह लीजिए साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाली फीलिंग देता है, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सुबह सुबह लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, जैसे जैसे देखे अभी दादाजी जॉगिंग करते हुए गए आगे। और बाकी यार बहुत लोग हैं जो यहाँ पे रहते भी हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, लेकिन अगेन नमक स्वाद अनुसार और प्रॉपर्टी औकात अनुसार बहुत ज़रूरी है जीवन में। सामने आप जेटी देख सकते हैं, यहाँ से आप बोट हायर कर सकते हैं, लेक बोले ग्रिफिन में बोटिंग कर सकते हैं, $100 पर आर पे आपको गो बोट मिल जाती है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन में बोले तो ब्रेकी इज हेयर। और ये जगह है लेक साइड रेस्ट्रो ग्लोबल किचन नाम है इसका। तो ये आपको सही बात बताएं, अंदर की जो बगल वाला रेस्टोरेंट है ना वो ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है लोकल प्रेस। और देख रहे हैं बाहर लोग वेट कर रहे हैं कि कब नंबर लगे उनको और कब अंदर आएँ, लेकिन भैया समय के चलते ज़रा हमने का फटाफट यहाँ खा लें क्योंकि और भी जगह ज़रा चलनी है आपको दिखाने के लिए। भैया अगर फ्लोरियाट फेस्टिवल तो हो नहीं पाया, तो जहाँ जगह मिली वहीं पर सरकार ने फूल लगा दिए। और हर साल सितंबर अक्टूबर के बीच में फेस्टिवल होता है, फ्लोरियाट इसका नाम है और ट्यूलिप के लिए जाना जाता है फेस्टिवल। इस बार कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला, जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिली, मिट्टी मिली, उन्होंने पौधे लगाए हैं। तो भैया कैनबरा की सड़कों पर यार ये स्कूटर पिछले 2-3 दिनों से बहुत धूम मचा रहे हैं और जब थोड़ी सी रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये न्यूरॉन एक कंपनी है, उसने ये स्कूटर्स लॉन्च करे हैं कैनबरा में। और आप इसकी ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ये स्कूटर बुक कर सकते हैं। और भैया कलर वलर मतलब एकदम पूरा मोदी जी का ख्याल रखा गया है यहाँ पे रंग के मामले में। और एकदम मैं देख रहा हूँ लोग, चाहे यूनिवर्सिटी हो, किंगस्टन हो, सिटी हो,
एकदम भनभनाते हुए निकल रहे स्कूटर। तो यार भैया इस वक्त मैं हूँ कैनबेरा जेट सिमुलेटर पर और आज यार बोइंग 737 उड़ाया जाएगा। तो कभी अगर आपके दिल में पायलट बनने की हसरत रही हो और वो ना पूरी हो पाई हो किसी भी वजह से, तो मैं इस जगह को आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आइए और आप सिमुलेटर पे बोइंग 737 उड़ा सकते हैं। और भाई साहब एक बात और कह दूँ यार, कपड़े बिक गए थे तो कंटिन्यूटी की कंप्लेन मत करना कि भाई साहब क्या हुआ तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए चलती वीडियो में। इस वक्त मैं बोइंग 737 के कॉकपिट में हूँ एंड सो एक्साइटेड टू सी। सो राइट नाउ वी आर एट द वोलंगोंग एयरपोर्ट एंड वील बी टेकिंग ऑफ वेरी शॉर्टली फ्रॉम हेयर एंड वील बी लैंडिंग इन सिडनी। And with me, I have my pilot who is helping me out with all the different buttons and numbers. So you can see the course we are heading, the altitude, you have the brakes out here, all the computer, all the screens. So it gives you the actual feeling, you know, that you are actually flying in a real cockpit. तो यार इस वक्त मैं ब्राडन में हूँ और ये एक बहुत अच्छी जगह है, इसका नाम है पेंट एंड पिनो। और जिसको भी थोड़ा बहुत भी आर्ट का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, वो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अराउंड $60 का टिकट है जिसमें दे गिव यू ऑल पेंट, कैनवस और सारी नेसेसरी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और एक कॉमन टॉपिक होता है जिसको लोग पेंट करते हैं आके, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्रेपरेटरी वर्क चल रहा है। तो मैंने भी यार कोशिश करी कि ज़रा भाई अंदर का चित्रकार बाहर निकाला जाए और देखें यार क्या बनता है, कुछ तो अच्छा ही बना के जाएंगे। जो क्या है कंटेशियस कैरेक्टर, और ये एक वाइनरी है न्यू साउथ वेल्स में, कैनबरा से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बहुत ही बढ़िया जगह भाई, यहाँ के ओनर जो मिस्टर टोनी है बहुत ही पैशन से आपको बताते हैं अलग अलग वाइन के बारे में, उसका प्रोसेस कैसे होता है। वाइन टेस्टिंग भी एक ऑप्शन है अगर आपको वाइन पीना पसंद है। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड पे आइए, कुछ टाइम स्पेंड करिए, प्यार भरी बातें करिए। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ लंच करने आया हूँ, लेकिन जगह भाई बहुत ही बवाल जगह है और मौसम इतना अच्छा लग रहा है, क्लाउड्स की इतनी अच्छी फॉर्मेशन हो रखी है। चलिए अभी आपको घुमाएंगे थोड़ी देर में वाइनरी आगे। तो भैया ये बैठने का अरेंजमेंट है, और खैर अपन तो बाहर ही बैठना पसंद करते हैं क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण के ज़रा थोड़े ज़्यादा करीब रहना हमारा मन करता है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइन लीव्स हैं, और ये पास्ता, और ये रहा लेमन लाइम बिटर, और सामने रहा व्यू। मतलब इससे बढ़िया लंच आप क्या इमेजिन कर सकते हो यार। अगेन मैं आपको बोलूँगा कंटेशियस कैरेक्टर नाम है इस जगह का, ज़रूर आइएगा। तो भैया अगर आप यहाँ पे सीज़न में आइएगा तो आपको दोनों तरफ बढ़िया एकदम अंगूर के गुच्छे मिलेंगे और अंदर उसी से वाइन बनाई जाती है। और यार ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप आइए तो आपको एकदम प्यार हो जाएगा। और यार मेरे को ना एक लाइन याद आ रही है इस वक्त कि क्या क्या रंग दिखाती है ज़िंदगी, क्या खूब इत्तेफाक होता है, क्या क्या रंग दिखाती है ज़िंदगी, क्या खूब इत्तेफाक होता है, प्यार में उम्र नहीं होती पर हर उम्र में प्यार होता है। तो भैया यहाँ पे आइए और अपने प्यार को जमा करिए। तो दोस्तों आज का सफ़रनामा यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो पसंद आएगी। और यार आने वाले दिनों में ना आपको हम कैनबरा बड़े तफसील से घुमाएंगे, अभी तो खैर आसपास की जगहें हैं वो दिखाई जा रही हैं। और कैनबरा जो कि हमारे देश की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बहुत कुछ है कैनबरा के पास जो कि आपको मुझे दिखाना है। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई लोकेशन, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।